तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज का एक बार फिर इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम FF टोकन से जो न्यू रिवार्ड आया है उसे किस प्रकार से एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको न्यू रिवार्ड ही बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या न्यू हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चलेंगे स्टोर में। स्टोर में चलने के बाद हमको पाँचवें नंबर पर एंड में दिख रहा होगा रिडीम। तो रिडीम में जाने के बाद हमको तीसरे नंबर पर दिख रहा है FF टोकन। तो FF टोकन में आने के बाद हमको बहुत सारा रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको जो न्यू रिवॉर्ड है या रेयर रिवॉर्ड है वही बताने वाला हूँ, दूसरा रिवॉर्ड नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले हम ये लड़की का बंडल देख सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। और ये इस अपडेट के बाद ये बंडल आया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का बंडल है ये। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बंडल होने के कारण मैं इसे परचेज़ नहीं किया हूँ। और मेरे को लड़की का कैरेक्टर भी अधिक पसंद नहीं है, इसलिए नहीं किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार बंडल है। एंड सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं ये लड़के का बंडल है। मैंने इसका जो टॉप होता है ना, वो परचेज़ कर लिया है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये बंडल भी काफ़ी अच्छा है यदि आप परचेज़ करना चाहें तो। पर मेरे को कुछ खास नहीं लगा, मैंने इसलिए सिर्फ टॉप टॉप परचेज़ किया। और ये बंडल देख सकते हैं आप लड़कियाँ, यदि आप लड़के का कैरेक्टर लेना पसंद करते हैं तो ये बंडल आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने ये नहीं लिया है, तो मैं अभी इसे परचेस करने वाला हूँ। तो एक्सचेंज पे जाएंगे और इसे परचेस कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने परचेस कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया है। ओके, एंड इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया। तो इसे परचेस करने के लिए मैंने लगभग 2800 जो FF टोकन होते हैं उसका यूज़ किया है। और यदि आप भी FF टोकन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा FF टोकन लेना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक वीडियो का लिंक दिया है उसे देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा FF टोकन ले सकते हैं और ये सब रिवॉर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड तीसरे नंबर पर भी आप देख सकते हैं एक लड़की का बंडल है, ये भी बहुत हद तक ओपी है, पर मैंने इसे कभी एक्सचेंज नहीं किया है। और ये दूसरे बंडल कुछ खास नहीं लगे, और ये बंडल भी एकदम ओपी बंडल है। आप देख सकते हैं इसके शूज़ है वो मेरे को बहुत ही कमाल के लगे, आप देख लीजिए। एंड टॉप एंड बॉटम, बॉटम में कुछ खास नहीं है लेकिन टॉप बेहतरीन है, देख सकते हैं आप। तो इस बंडल को भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं। एंड ये बंडल कुछ मेरे को खास नहीं लगा है, ये बंडल भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा है। और इस FF टोकन से हम जो डायमंड रॉयल का वाउचर होता है उसे भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड सबसे मेन चीज़ है ये, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो डायमंड रॉयल वाउचर ये तो हम परचेस कर ही सकते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट कूपन हम परचेस कर सकते हैं। ये 150 डायमंड का, 250 डायमंड, 700 डायमंड, 600 डायमंड का। इसमें पहले हम 100 डायमंड का भी एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा ऑप्शन, तो इनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और सबसे रेयर चीज़ बता देते हैं, यदि आप क्लासिक या रैंक गेम, बड़ा वाला गेम खेलते हैं, तो हम 15 जो FF टोकन होते हैं उसमें 7 दिन के लिए अनलिमिटेड बॉनफायर परचेस कर सकते हैं, समन एयर ड्रॉप परचेस करते हैं, रिसप्लाई मैप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दोनों सॉल्ट आ रहा है, यानी कि मैंने स्कैनर और जो बंटी टोकन होता है वो भी एक्सचेंज कर लिया है। इनको हम अपडेट आने के बाद और अगला अपडेट आने के पहले बीच बीच में 10 बार एक्सचेंज कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे 10 बार इसे एक्सचेंज, यानी 70 दिन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत रेयर आइटम है, इसे हम डायमंड से परचेस करते हैं तो बहुत बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमको इसे FF टोकन से परचेस कर लेना चाहिए। और ये बंडल आप लड़की का देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ओपी है। एंड उसी के साथ आप नीचे लेके देख सकते हैं, यदि आपके पास पेन की स्किन नहीं है तो ये ले सकते हैं आप। एंड ये बंडल भी ले सकते हैं, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था बंडल जब ये FF टोकन आया था। ये थोड़ा पुराना है पर मेरे को जो ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने इसको आते ही परचेस कर लिया था। एंड उसी के साथ ये लड़की का बंडल भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो आप देख सकते हैं। मैं लड़की का कलेक्टर लेता हूँ तो अधिकतर इसी बंडल को लगाता हूँ, क्योंकि ये रेसिंग वाला बंडल है और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं जो न्यू न्यू रिवॉर्ड है वो सब बता दिए मैंने आपको। और एक बार फिर बता दूँ कि यदि आप FF टोकन लेना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक को खोल के, जो उसमें वीडियो है उसे देख कर ज़्यादा से ज़्यादा FF टोकन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे प्रेस जरूर कर देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।